संदीप सिंह जो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, संदीप सिंह जिन्होंने ये आदेश करवा दिया है कि जो भी उनके बारे में फॉल्स रिपोर्टिंग र्यूमर्स फैलाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। संदीप सिंह जिनके बारे में सोर्सेस से जानकारी आई कि सीबीआई उनको पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। संदीप सिंह जो पिछले 3 हफ्तों से गायब हैं, इन 3 हफ्तों में 2 बार वो सामने आए, एक बार एबीपी के कैमरे पर, एक बार रिपब्लिक के कैमरे पर। आज फिर कैमरे में कैद हुए संदीप सिंह, हालांकि लोकेशन पता नहीं चली है, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। गाड़ी में से आए और वो रिपब्लिक टीवी उनका पीछा कर रहा था, शायद से उनको ट्रैक कर रहा था, ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, और संदीप सिंह को ट्रैक किया उन्होंने। संदीप सिंह ने जैसे ही रिपोर्टर को देखा वो वहाँ से 9:00-11:00 हो गए और आगे चले गए। अब संदीप सिंह मीडिया से बच रहे हैं लगातार, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मीडिया में इंटरव्यू देने का जिनको शौक है, जब पुलिस उनको नहीं बुलाती थी तब भी मुंबई पुलिस के बांद्रा पुलिस स्टेशन जाते थे बयान देने, ताकि कोई ना कोई मीडिया उनका इंटरव्यू ले ले। इसी तरह की खबर आई थी, मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्होंने कभी सुशांत केस में संदीप सिंह को नहीं बुलाया। मुंबई पुलिस ने एक बताया था खुद, पर संदीप सिंह वहाँ पर अक्सर पहुँचते थे और बहुत सारे इंटरव्यूज भी लेते थे। मगर अब वही संदीप सिंह है, वही मीडिया है, और संदीप सिंह मीडिया से बच रहे हैं। और मीडिया है कि तब संदीप सिंह से बचती थी, आज मीडिया संदीप सिंह को पकड़ना चाहती है, उनका इंटरव्यू कर। आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत केस में सेल्फ प्रोक्लेम्ड दोस्त बने सुशांत के, परिवार ने कहा नहीं जानते, गर्लफ्रेंड ने कहा नहीं जानते, मगर वो सबसे पहले पहुँचे, सारे कर्ता धर्ता बन गए और उसके बाद शक के घेरे में आ गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर के बॉडी का ताबा लेना से लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर हर चीज़ में संदीप सिंह नज़र आए, मगर सवालों के घेरे में आ गए और अब मीडिया से भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनको संदीप की भूमिका संदिग्ध नज़र आती है। आप क्या कहेंगे इस मामले में, ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।